सो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हूँ एक ऐसा बेस्ट प्रोफेशनल इजी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। सो अगर आपका डेटा एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव, इवन कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव से भी डिलीट हो जाता है गलती से, तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इजीली उसे रिकवर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेनोशेयर के 4D डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये एक इजी एंड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप इजीली अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो आपका पीसी हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, या फिर कोई भी कैमरा डिवाइस, या फिर अगर आपका डेटा करप्ट हो चुका है तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इजीली उसे रिकवर कर सकते हैं। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है टेनोशेयर की तरफ से 4D विंडोज डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो ये आपको विंडोज़ एंड मैक के लिए अवेलेबल हो जाएगा, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपके पीसी से या फिर आपकी एसडी कार्ड या फिर आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव से डेटा डिलीट हो जाता है तो आप इजीली इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से रिकवर कर सकते हैं। तो ये आपको विंडोज़ एंड मैक के लिए अवेलेबल है, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो डाउनलोड प्रोसेस काफ़ी ईजी है, आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एक्सटर्नल डिवाइस है उसमें अभी आप रिकवर कर सकते हैं, अगर आपका पीसी क्रैश हो चुका है उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं, रॉ फाइल को भी रिकवर कर सकते हैं, 1000+ फॉर्मेट्स इसमें आपको मिल जाती है। तो डाउनलोड कैसे करना है, जस्ट आपको लिंक पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप कुछ इस तरह के पेज में आ जाएंगे। सो यहाँ पर आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडोज़ एंड मैक के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ किस तरह आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। सबसे पहले आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, ओपन करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपनी सी ड्राइव या फिर किसी भी ड्राइव में, ईजिली आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंस्टॉल का ऑप्शन है आ चुका है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, कुछ इस तरह ये इंस्टॉल होगा। सो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा डाउनलोड होने के बाद। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा स्टार्ट का। सो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा ये सॉफ्टवेयर। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिवाइस एंड ड्राइव्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, अगर आप कोई भी डिवाइस एक्सटर्नल या फिर इंटरनल डिवाइस यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डेस्कटॉप, रिसाइकल बीन एंड न्यू फोल्डर या फिर आपको कोई भी फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, क्रैश कंप्यूटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड लगा दीजिए पीसी में, कुछ इस तरह। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने पेन ड्राइव लगाई थी वो यहाँ पर रेकोगनाइज हो चुकी है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव में जो भी मेरा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले मैं इसे जानबूझकर डिलीट कर देता हूँ, आपको कुछ फाइल दिखा देता हूँ। इसमें मेरी म्यूज़िक फाइल है, यहाँ पर मेरी फ़ोटोज़ हैं एंड यहाँ पर एक वीडियो है, एक डॉक्यूमेंट फाइल है। तो इसे मैं जल्दी से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको मैं इसे रिकवर करके दिखा लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइल है वो मेरी गलती से डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर मान लीजिए आपसे गलती से डिलीट हो जाती है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टेनोशेयर का 4D डेटा रिकवरी को ओपन करना है। तो जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फ्लैश ड्राइव वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कोई भी अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव या कुछ भी लगाते हैं तो वो ईजिली रिकवर कर सकता है उसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी यूएसबी ड्राइव है, तो सबसे पहले हम यूएसबी ड्राइव से ही डेटा को रिकवर करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी फाइल्स हैं यहाँ पर शो करेंगी। तो यहाँ पर मैं अपनी यूएसबी ड्राइव से डेटा को रिकवर करके दिखा देता हूँ किस तरह आप इसे रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूएसबी पर क्लिक करके सेलेक्ट कर देना है एंड रिकवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फास्टली ये रिकवर करता है डेटा को। तो जो मेरी फाइल्स मैंने अपने आप डिलीट की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपसे गलती से आपकी फ़ाइल डिलीट होती है तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इजीली रिकवर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी फ़ोटो है वो रिकवर हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी सभी फाइल्स थी वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी। तो ईज़िली आप यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रिकवर हो जाती है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो वीडियो भी आ चुकी है और यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी फ़ाइल को अपने पेन ड्राइव फिर यूएसबी ड्राइव में दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये डीप स्कैन कर रहा है। डीप स्कैन का मतलब कि अगर आपकी पहले से कोई फ़ाइल डिलीट हुई आपकी पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव या एसडी कार्ड से, वेरी इजीली अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डीप स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है, 12 फाइल यहाँ पर आ चुकी है और जो मेरी इंपॉर्टेंट फाइल थी वो पहले शो कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका रिसाइकल बिन का डेटा होता है वो भी आप यहाँ पर रिकवर करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी सभी फाइल्स हैं
वो आ चुकी हैं। इस तरह आप अपना ईजिली डेटा को रिकवर कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे रिकवर करके दिखा देता हूँ अपनी USB फ्लैश ड्राइव में। सबसे पहले यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, रिकवर पर क्लिक कीजिए, मेक ए फोल्डर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसे ईजिली रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवर जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिकवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी फ़ाइल है USB ड्राइव में वापस आ चुकी है। यहाँ पर आप स्टोरेज वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारी जो फ़ाइल जो गलती से मैंने डिलीट कर दी थी जानबूझकर। तो ईज़िली आप अपनी कोई भी फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। एंड यहाँ ये फ़ोटो है, ये वीडियो है और एक म्यूज़िक फाइल है, आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं। सो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ईजिली अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं। यह है टेनोरशेयर का फॉर डीडेड डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो अगर आप इसकी इंटरफेस के बारे में बात करें तो काफ़ी ईजी टू यूज़ है। आप अपनी कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या फिर इंटरनल डिवाइस से डेटा को रिकवर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही फास्ट, कुछ मिनटों में आपका ये डेटा को रिकवर करके आपको दे देगा। डेस्कटॉप से भी अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं बाई चांस, अगर आपकी कोई भी फाइल रिसाइकल बीन से भी अगर डिलीट हो जाती है तो आप इसकी हेल्प से ईजिली रिकवर कर सकते हैं। तो ये है एक बेस्ट और इजी सॉफ्टवेयर। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो करके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इसको ख़रीद सकते हैं ओनली, यहाँ पर आप देख सकते हैं $49 में आप इसे लाइफ टाइम खरीद सकते हैं। अगर आप इसका 1 ईयर का लाइसेंस चाहते हैं तो आप लगभग $49.95 का आप इसे खरीद सकते हैं। तो बहुत ही चीप प्राइस में आपको ये मिल जाता है। आपको डिस्काउंट कोड भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं एंड ईजिली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो विंडोज़ के लिए बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो पेमेंट प्रोसेस काफ़ी ईजी है, इंडियन रुपीज़ में आप इसे पे कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैक के लिए चाहते हैं तो आप ईजिली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।